कि मीडिया वाले कह रहे हैं कि भैया हर मुसलमान एक जैसा नहीं, तो एक मुसलमान भारत का निकल के आए और वो यतीम महाराज का समर्थन करके दिखाए अगर उसकी मां ने दूध पिलाया। कुछ नहीं, अभी उन्होंने कहा है कि महाराज जी के बारे में तो अभी कुछ नहीं पता। महाराज जी के बारे में उन्होंने कहा कि मैं आप भी ढूंढिए हम भी ढूंढे, तो थोड़ा पुलिस का जवाब है। हाँ जी, थोड़ा चिंता का विषय है क्योंकि महाराज जी का बीपी भी बहुत हाई था। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस भारत के अंदर शुरू से लेकर आप पुराना इतिहास उठा लीजिए, पुराने से लेकर आज तक, क्या कभी सनातनीय हिंदुओं ने कभी, ये जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, क्या कभी कुछ ऐसा किया इनके खिलाफ? कभी नहीं किया। ये लोग कुछ भी गए, ये लोग हमारे देवी देवताओं का रूप धारण कर लेते हैं, उनका कुछ नहीं। ये मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों पर चढ़ाई कर रहे हैं, मंदिरों की थोड़ी चढ़ाई हो रही है, तो सनातन धर्म पर चढ़ाई कर रहे हैं। और आज भी जैसे हमारे दासना देवी मंदिर पे जो हंगामा हुआ है, जो हमारे पथराव किया है जिहादियों ने, तो उनका सबको पता है कि उनका कितनी बड़ी संख्या में उन लोगों ने रात में हमारे देवी देवताओं पे किस तरीके से और किस तरीके से उनकी गालियां थी, सरतन से जुदा सरतन से जुदा। पुलिस प्रशासन एकदम झूठ बोल रहा है, गलत बात कर रहा है। आधी रात को मंदिर से वही लोग बहन जी को लेकर गए हैं, तो कहाँ गए हैं? अगर उन्हें नहीं पता है तो वो चार दिन से सो रहे हैं क्या? क्यों नहीं ढूंढा उन्होंने फिर अभी तक? एक बार में 3 करोड़ का जो डाटा इकट्ठा किया इन्होंने, वो एक साथ भारत के अंदर, जैसे शेख हसीना छोड़ कर भागी है ना वहाँ से बंगाल से, ऐसे ही भारत के अंदर ये करने के लिए तैयारी है। 3 करोड़। नमस्कार, मैं हूँ रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है और आज इस वक्त हम मौजूद हैं ऑफिस कमिश्नर ऑफ पुलिस गाजियाबाद। यहाँ पर भारी संख्या में तमाम हिंदू संगठन के लोग, उनके प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद है। और ये मामला है जो यति नरसिंहानंद जी का जो विवादास्पद बयान आया, उसके बाद जो है मुस्लिम समुदाय के जो लोगों ने उन पर जो है, जिन्हें जिहादी बताया जा रहा है, उन लोगों ने जो हमला करा और उसके बाद पुलिस की हस्तक्षेप के बाद जो है उन्हें किसी तरह से बचा लिया गया और पुलिस प्रोटेक्शन देकर के उनको रखा गया है। तो यहाँ पर जितने भी हिंदू संगठन है वो सब लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। अभी पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है और उनसे जानकारी जाननी चाहिए कि इस समय उनके स्वामी है कहाँ पर, लेकिन पुलिस ने अब तक उन्हें नहीं बताया है कि, और इसी बात को लेकर के वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कम से कम उन्हें जो है जो स्वामी जी की जानकारी दी जाए, वो किस तरह इस समय उनका स्वास्थ्य कैसा है, किस तरह के हालात है यहाँ पर। तो इस समय आप पूरा नज़ारा देख सकते हैं कि तमाम हिंदू संगठन जो भारत के हैं वो सब यहाँ पर हैं, मौजूद हैं, जिहादियों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने स्वामी को छुड़ाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। और ये ताज़ा स्थिति है यहाँ की जो आप देख रहे हैं, तमाम जो सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है, उत्तर प्रदेश की तमाम पुलिस यहाँ पर मौजूद है, बड़े अधिकारी मौजूद हैं। और चलिए अंदर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर जो बड़े बड़े जो महामंडलेश्वर पहुँचे हैं, बड़े बड़े हिंदू संगठनों के जो प्रतिनिधि पहुँचे हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला ये है क्या। हमारे साथ आस्था अम्मा जुड़ चुकी हैं, जो कि हिंदुस्तान के लिए, हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए हमेशा जो है चिंगारती रहती है और आज यहां पर इस प्रोटेस्ट में आई हुई अपने साथियों के साथ। बहुत स्वागत हमारे चैनल में आस्था। हर हर महादेव भैया, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते जी भैया। जी जी, आज के इस प्रोटेस्ट में आप आई है, तो क्या अभी डिमांड रखी है, क्या कह रहे हैं इसका? क्या कुछ नहीं, अभी उन्होंने कहा है कि महाराज जी के बारे में तो अभी कुछ नहीं पता। महाराज जी के बारे में उन्होंने कहा कि मैं आप भी ढूंढिए हम भी ढूंढे, तो थोड़ा पुलिस का जवाब है। हाँ जी, थोड़ा चिंता का विषय है क्योंकि महाराज जी का बीपी भी बहुत हाई था और महाराज जी का मतलब शुगर भी हाई थी, तो महाराज जी के पास दवाई नहीं है, कपड़े नहीं है, आखिर महाराज जी है कहाँ, ये चिंता का विषय है। अगर हम 2 दिन और देंगे, अगर महाराज जी के दर्शन होते हैं, हमारे किसी भी एक भी परिवार के आदमी को दर्शन कर दबा दे महाराज जी के, हमें ये नहीं कि हमें झुंड को मिलना है, एक आदमी को मिला दे हमें पता लग जाए हमारे महाराज जी ठीक है, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सरकार का काम है, सरकार अपना काम अपने हिसाब से करे, हमें कोई परेशानी नहीं उस बात को लेकर, पर हमारे महाराज जी बता दे कहां पर है। सुनो, कौन अभी यही पूछ रहे थे कि मीडिया वाले कह रहे हैं कि भैया हर मुसलमान एक जैसा नहीं, तो एक मुसलमान भारत का निकल के आए और वो यतीम महाराज का समर्थन करके दिखाए अगर उसकी मां ने दूध पिलाया। अगर कोई भी मीडिया वाला, अगर उसका मीडिया वाला अगर
अगर मीडिया वाला कोई भी इंटरव्यू लेके आ जाए मेरा वो भाई आप मना के देख लेने जाओ, मुसलमान लो और यहाँ पे लाके समर्थन करवा दो यती महाराज का। मैं ओएसी से कराओ, आजम खान से करवाओ, वो मादर जात वो 15 मिनट वाला उससे करवाओ, वो भड़वा जो अभी मुंबई गया था उससे करवाओ, और जितने भी दल इधर से उधर घूम रहे किसी से करवा लो। और जिन लोगों को दिक्कत है हमें कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, हम मुसलमानों से नहीं वो कट्टर जिहादियों से सख्त नफरत है, और मुसलमानों से हिंदुओं को कभी भैया दिक्कत थी नहीं, अगर दिक्कत होती तो 7% 1947 में ना रखे गए होते, और उसी का परिणाम है गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हो। अरे गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हो, सोच के देख लेना आपका इतिहास 1,00,000 साल पुराना, राष्ट्रपिता है कौन तुम्हारा, महादेव को राष्ट्रपिता है और माँ पार्वती हमारी माता है, बाकी सबको जय श्री राम। मेरा नाम विनय हिंदू है और मेरे नाम से तुम जान जाओगे क्योंकि जिले की पुलिस बढ़िया से जानती है। जय श्री राम। मैं महामंडलेश्वर योगी हितेश्वर नाथ महाराज हूँ वृंदावन से। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस भारत के अंदर शुरू से लेके आप पुराना इतिहास उठा लीजिए, पुराने से लेके आज तक, क्या कभी सनातनीय हिंदुओं ने कभी ये जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं क्या कभी कुछ ऐसा किया इनके खिलाफ? कभी नहीं किया। हमारे मंदिर तोड़े गए, हमारे संतों को गिरफ्तार किया जाता है, हम हनुमान जी की यात्रा निकालें तो पथराव किया जाता है, राम यात्रा निकालें तो पथराव किया जाता है, मतलब हम ही लोग सहन करते रहे। क्या हमारे किसी आज तक किसी हिंदू व्यक्ति ने या हिंदू संत ने किसी ने कभी इनके इतने मुहर्रम निकलते कुछ निकलते कभी पथराव किया? कभी नहीं किया, क्योंकि हम लोग हमेशा एक बात लेकर चलते हैं कि सर्वे वंति सुखना सर्वे हम विश्व कल्याण की बात करते हैं, लेकिन कब तक? कब तक? मैं भी जेल गया इस सनातन के लिए, आज महाराज जी जेल गए सनातन के लिए, लेकिन हमारे घर में हम ही लोगों को हमें ही मुद्दा बनाया जा रहा है। आज एक ऐसा भारत का इतना बड़ा संत जो है आज उसको इन्होंने जेल में डाल दिया, क्या गलती की उन्होंने, क्या गलत बोला उन्होंने? यही तो बोला कि भी रावण का पुतला की जगह इनका पुतला फूको। ये है कौन लोग? ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं, इन लोगों ने धर्म के साथ हमेशा खिलवाड़ किया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम अपने धर्म की रक्षा के लिए नहीं खड़े होंगे भाई? अगर वो अपने लिए खड़े तो हम भी अपने धर्म के लिए खड़े होंगे। ये धर्म हमारा है और 145 करोड़ देशवासियों का धर्म है, और इसकी रक्षा करना हर भगवाधारी का, हर व्यक्ति का, हर जनमानस का, हर हिंदू का, हर सनातनी का, हर हिंदुस्तानी का धर्म है। अपनी धर्म की रक्षा करो, इसीलिए हम लोग जो मुसलमान चीख के कहते हैं कि हम भी हिंदुस्तानी, तो ये उनका भी धर्म है। अगर वो कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं तो हमारे भारत के अंग इंडिया की टीम अगर हारती है तो क्यों पटक्के फोड़ते हैं? अगर हिंदुस्तानी हो तो, अगर हिंदुस्तानी हो तो स्वीकार है। हम देश के हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, हम उन्हें सम्मान करते हैं, उनका चरण छूता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। अब्दुल हमीद को याद करो, उनको मैं याद करता हूँ। कौन थे ये लोग? रस खान को याद करता हूँ, रस खान थे तो ये भी तो थे, ये लोग सनातनी हिंदू थे, ये लोग सनातनी, इन लोगों ने सनातन धर्म के लिए उन्होंने प्रचार किया, काम किया। रस खान की कितनी बड़ी, उन्होंने कृष्ण के लिए कविताएं गया बताइए, तो उनका सम्मान करते हैं, उनका पद गाते हैं वो, और हम उनका सम्मान करते हैं, उनके पदों को हम भी अपनी कथाओं में गाते हैं, हमें विरोध नहीं है। लेकिन ये जो ये कौन लोग हैं जो जिहादी मानसिकता रखते हैं, जो कि सर 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 काटने की बात रखते हैं, जो हमारे सनातन को बर्बाद करने की बात कर रहे हैं? आप बताइए, तो हम आवाज ना उठाएं क्या? हमें नहीं उठाना चाहिए? तो आज अगर हम सब इकट्ठे हुए तो काय की दिक्कत है, क्या परेशान? तो आज जो ज्ञापन आपने दिया है वो स्वीकार हुआ क्या? उसके स्वीकार तो हो गया है, उस पर प्रतिक्रिया हो गई, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया है, और इसमें बहुत जल्दी मुझे लग रहा है कि हम चाहते हैं बस महाराज जी को हमारे छोड़ा जाए। मेन चीज हम महाराज जी को चाहते हैं, उनकी रिहाई की डिमांड कि महाराज जी की रिहाई होनी चाहिए हर कंडीशन में। थैंक यू, स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले एक बार अपना परिचय दर्शकों को दे दे। मैं महामंडलेश्वर राजेंद्र आनंद गिरी हूँ, नोएडा मेरा सेक्टर 34 में आश्रम है। ठीक है, तो आप जो स्वामी जी को जो गिरफ्तार किया है उसके बारे में बता नहीं रही पुलिस? हाँ, ये पुलिस अपनी मनमानी कर रही है, पुलिस जो है आज की जो पुलिस है वो अपनी मनमानी कर रही है, वो साधुओं का सम्मान नहीं कर पा रही। देखो मुख्यमंत्री जी योगी जी ने जो कहा है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर को वो रखे, अभी क्या है हम लोग अगर छोटी सी टिप्पणी कर देते हैं
तो उसका इतना बड़ा बोखला कर देते हैं। ये लोग कुछ भी कहे, ये लोग हमारे देवी देवताओं का रूप धारण कर लेते हैं, उनका कुछ नहीं। ये मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों पर चढ़ाई कर रहे हैं, मंदिरों की थोड़ी चढ़ाई हो रही है, तो सनातन धर्म पर चढ़ाई कर रहे हैं। ये तो सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए सारी प्रक्रिया है, ठीक है। अभी क्या, हम लोग तो यहाँ एक जगह इकट्ठा हुए अलग अलग जिलों में, अभी सहारनपुर में कल देखो क्या करा इन लोगों ने, मथुरा में देखो, बुलंदशहर में देखो, मेरठ में देखो, तो ये तानाशाही अपनी करानी चाह रहे हैं। तो ये तानाशाही जैसे यूपी में बताते हैं लॉ एंड ऑर्डर जो है बहुत मजबूत है, और 24 घंटे में जो है जिसको भी गिरफ्तार किया है उसके परिचितों को उसके मिलवाया जाएगा, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, आपको दे नहीं रहे। पिछले कई दिन से नहीं दे रहे महाराज जी, महाराज जी को गिरफ्तार कर लिया, जो लोग मंदिरों पर चढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, हल्का सा लाठी चार्ज करी और छोड़ दिया। अरे उनमें तो जो मंदिरों पर हमारी आस्था है, हमारे सनातन धर्म पे जो हमला कर रहा है, उनको भी ना सूट एंड साइड करना था। मुख्यमंत्री साहब से कुछ कहना चाहेंगे सर? मुख्यमंत्री साहब से हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे जो यतीन्द्र सिंह आनंद गिरी जी हैं, उनसे हमारी रूबरू एक बार बात करा दी जाए। हमारी तो मांग यही है, हमें तो अभी यही पता नहीं उन्हें रखा रखा है भाई। और आज तो हम ये थोड़ा बहुत ये हल्का सा हुआ, आने वाले समय में कल या परसों में और बड़ा वो करेंगे, हम संडे का जो महा उसका प्रचंड उसके साथ करेंगे। चलिए धन्यवाद। जय श्री राम जी, मैं मनीषा पवार, महानगर अध्यक्षा हिंदू रक्षा दल से। जी अब बताइए आप जय, सबको बताइए है कि हमारा हिंदू रक्षा दल हमेशा हिंदुओं के समर्थन में आवाज उठाता है। पिंकी भैया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हमेशा हिंदुओं के लिए आगे रहते हैं लड़ाई करने के लिए, हिंदुओं के अधिकारों रख के लिए। और आज भी जैसे हमारे दासना देवी मंदिर पे जो हंगामा हुआ है, जो उन्होंने पथराव किया है जिहादियों ने, तो उनका सबको पता है कि उनका कितनी बड़ी संख्या में उन लोगों ने रात में हमारे देवी देवताओं पे किस तरीके से और किस तरीके से उनकी गालियां थी, सरतन से जुदा सरतन से जुदा। उन पे कोई कार्यवाही की गई है? कोई एक भी बता दो कि पुलिस प्रशासन ने किसी एक को भी अरेस्ट किया हो। और हमारे महाराज जी को, हमारे महंत जी को पुलिस प्रशासन ने चार दिन हो गए छुपा कर रखा हुआ है, कहां अरेस्ट किया हुआ है? चार दिन हो गए बताया तो यूपी में पुलिस प्रशासन जो है हमें नहीं पता है, करो कोई पता नहीं कहां गया रखा हमारे महाराज जी को, पता निकालो, न्यूज वाले निकालेंगे पता, क्यों नहीं निकालेंगे न्यूज वाले? भैया न्यूज वाले पता निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे न्यूज वाले? वैसे तो जड़ खोद लेते हैं न्यूज वाले, अब क्यों नहीं निकाल रहे हमारे पंडित जी को? क्यों नहीं निकाल रहे? कमिश्नर साहब ने बोला, हम बोलते हैं आपको पत्थर बरसा जाते हैं। कमिश्नर साहब ने बोला है कि हमें पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि हमारे महाराज क्या थे, हमें पता नहीं है। अरे पता है पुलिस को, तो हमें नहीं पता तो इसको लेकर क्या? बिल्कुल झूठ बोला गया, झूठ बोला गया, हमको सब पता है, कमिश्नर साहब को पता नहीं है, साले तो लेकर गए हैं। अगर हमारे यहाँ से एक मैसेज भी ये सर्कुलेट हो जाता है कि आज कमिश्नर एट पे हम लोग सब लोग शांति पूर्वक धरना करेंगे, उसके लिए तो हमारे सारे पदाधिकारियों को सबसे रात में 11 बजे 12 बजे सबको डिटेन कर लिया गया, पुलिस वालों को उस चीज का तो पता चल जाता, मार दिया, पता नहीं है कि इतने बड़े महंत जी कहाँ पे है, चार दिन हो गए, उनकी तबीयत इतनी खराब रहती है। पुलिस प्रशासन, मेरा नाम राखी सक्सेना है, मैं महिला विंग से जिलाध्यक्ष हिंदू रक्षा दल से। पुलिस प्रशासन एकदम झूठ बोल रहा है, गलत बात कर रहा है। आधी रात को मंदिर से वही लोग बहन जी को लेकर गए हैं, तो कहाँ गए हैं? अगर उन्हें नहीं पता है तो वो चार दिन से सो रहे हैं क्या? क्यों नहीं ढूंढा उन्होंने फिर अभी तक? एक सवाल, जैसे यूपी को छोड़ करके पूरे हिंदुस्तान में ये बात है कि भाई यूपी का लॉ एंड ऑर्डर जो है बहुत सुंदर है, योगी जी हैं, और यहाँ चार दिन हो गए इतने बड़े महाराज, योगी जी के शासन में काम हो रहा है भैया। अब तो महंत जी के साथ भी गलत होने लग गया है, पहले तो हिंदुवादियों के साथ होता था, हिंदुओं के साथ महंत के साथ गलत होने लग गया है, तो ये तो बहुत शर्मसार कर देने वाली चीज हो रही है योगी जी के आज। पब्लिक का क्या होगा भाई? नहीं आज तो ये थोड़ा सा करा है, अगर किसी दिन, किसी दिन अगर ऐसे कर करके हर मंदिर पर ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, ये मंदिर ही खत्म हो जाएंगे, मंदिर ही खत्म हो जाएंगे, सनातन धर्म क्या बचेगा? आदि काल से जो इनका जो मुद्दा है उसी को लेके चला, उसी को लेके चला है। महाराज स्वामी जी के साथ आपका परिचय? ये मैं धर्मेंद्र नाथ अगुरा खड़ा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, ये जितनी मेरी बहनें हैं हमें इनकी महाराज जी की नहीं, हमें प्रत्येक हिंदू प्रत्येक सनातनी की चिंता है। मैं वो चिंता आपके सामने व्यक्त करा रहा हूँ जो मुझे सामने खतरा दिखाई दे रहा है। इन्होंने जो बक बोर्ड के नाम पर जो QR कोड लेकर के डाटा इकट्ठा किया गया, यानी चाहे बरेली हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे अजमेरी हो, चाहे केरली हो, चाहे बंगाली हो, चाहे कहीं का भी, पूरे देश के जितने मौलाना, ये
एक बार में 3 करोड़ का जो डाटा इकट्ठा किया इन्होंने, वो एक साथ भारत के अंदर, जैसे शेख हसीना छोड़कर भागी है ना वहां से बंगाल से, ऐसे ही भारत के अंदर ये करने के लिए तैयारी है 3 करोड़, यानी कि भारत की पुलिस को मिला करके, ये केंद्रीय बल को मिला करके, अगर फौज को मिला करके, सबको अगर मिला लिया जाए तो 54 लाख है मात्र। और इनकी जब 3 करोड़ सड़कों पर उतरेंगे तो ये सनातनी जो हमारी ये बहन बेटियां जिनके घर में एक चाकू का डंडा भी या कुछ भी नहीं मिलता, ये कैसे इनका सामना करेंगे? ये मैं सब सनातनी धर्मियों से ये कहना चाहता हूँ कि आप सचेत हो जाइए और सरकार भी सचेत हो जाए, क्योंकि ये सरकार के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। जो QR कोड के नाम पर जो इन्होंने डाटा इकट्ठा किया गया, ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। ये एक तरफ से रोने का नाटक करते, एक तरफ भाईचारे की बातें करते, एक तरफ गर्दन का उतारने की बात करते। ये मंदिर पे इन्होंने क्यों हमला किया? अगर महाराज जी ने अगर कोई बात की है तो कहीं ना कहीं महाराज जी के दिमाग में ये बात आई होगी, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो बहनों के साथ में जो 14 जिहादियों ने एक एक लड़की के साथ बलात्कार किया, ऐसी वीडियो आई, ये किसकी प्रवृत्ति है? राक्षसों की प्रवृत्ति है। तो कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र में जो महाराज जी ने बात करी, जो आज एक्स मुस्लिम टीवी पर तो महाराज जी ने कुरान नहीं पढ़ी, उन महाराज जी ने भी कुरान नहीं पढ़े, हमने भी कुरान नहीं पढ़ी भाई। वो कुरान को करके, कुरान को समझ करके, जो कुरान के जानकार हैं, जो एक्स मुस्लिम वगैरह जो बता रहे हैं इस्लाम के बारे में बता रहे हैं, उन्हीं बात को तो ये महाराज जी हमने कही है। तो इनका डिबेट होनी चाहिए। अगर तुम सच्चे तो आओ सुप्रीम कोर्ट में आओ बैठो, न्यायाधीश बीच में बैठे सुप्रीम कोर्ट, और जितने भी मौलाना है यहाँ बैठे, अपनी बताओ राक्षस प्रवृत्ति कैसी, राक्षस प्रवृत्ति है इनकी, ये राक्षसों की प्रवृत्ति है, पूरे विश्व के अंदर आतंक मचा रखा है। और इसके ऊपर भारत की सरकार को, चाहे राजनेता है चाहे वो किसी भी पार्टी के है, उनको सचेत होना पड़ेगा। भारत के अंदर डीप स्टेट का खेल खेला जा रहा है, इस्लामीकरण किया जाने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो अब ये योगी जी से क्या उम्मीद रखता है? योगी जी नहीं, मैं योगी जी से नहीं, प्रत्येक सनातनी से उम्मीद करता हूँ कि स्वयंवाद, संगठनवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद और भाषावाद छोड़ करके संगठित हो जाऊंगा। शासन और प्रशासन से कोई उम्मीद मत करो, अब आत्मनिर्भर बनो, सब हर कोई अपनी सुरक्षा खुद करो। अब हर हिंदू के लिए एक ही संदेश रह गया कि अपनी सुरक्षा खुद करो। पुलिस प्रशासन से कुछ नहीं होगा, अभी भी कमिश्नर साहब ने बोल दिया कि जी अगर प्रशासन वहाँ नहीं होता, पुलिस फोर्स वहाँ नहीं होती, तो वो और भी इससे भी बुरा कर सकते थे, मंदिर में कुछ और हो सकता था इससे भी बड़ा, तो क्या हम उससे बड़ा होने का इंतजार करें भैया? एक और तो महाराज जी को बचाने का क्रेडिट ले रहे हैं, दूसरी ओर बता रहे हैं कमिश्नर साहब ये सब देंगे कि इससे भी ज्यादा वो कुछ कर सकते थे, वो तो हमने वक्त रहते स्थिति वहाँ पे संभाल ली। तो इसका मतलब हम कुछ और बड़ा होने का इंतजार वहाँ पे अभी करें, अभी जब तक चाकू या हमारी गर्दन तक नहीं आ जाता तब तक हम इंतजार करें उस धन्यवाद। आप भी कुछ कह रहे? हाँ भैया, मैं ये कह रही हूँ जब पुलिस को पता नहीं है तो और किसको पता होगी, ये बताओ। जब वो लाए तो नहीं तो पता होनी चाहिए, और पुलिस को पता ना आते और क्या सुनते, पता करो अभी, देव हमें पता करके बताओ हमें। हाँ फिर हमें फिर छोड़ दो, हम खुद पता कर लेंगे। बिल्कुल जी महाराज जी, सबसे पहले प्रणाम, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जो स्वामी जी को बताया नहीं जा रहा है कि वो कहाँ रखे गए हैं और आप डिमांड कर रहे हैं, उसको लेकर जो ये कानून व्यवस्था है, हालांकि जो नियम है कि भाई जो भी गिरफ्तार व्यक्ति है उसके बारे में जानकारी उसके परिजनों को दी जाएगी और आपको दी नहीं जाएगी। एक तो महाराज जी, हम पुलिस प्रशासन से इस चीज़ की सूचना चाहते हैं कि महाराज जी हैं कहाँ और स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं, कहाँ हैं, किस जगह हैं, थोड़ा उस चीज़ के लिए अवगत कराया जाए, अवश्य अवगत कराया जाए, क्योंकि महाराज जी हैं कहाँ। और हमारा यही है, यदि महाराज जी ने विवादित बयान दिया है उसके लिए कानूनी प्रक्रिया है, कानून बैठा है, पुलिस प्रशासन है, और ये देश संविधान से चलने वाला है, ना कि किसी इस्लामीकरण से चलेगा। ये सीरिया नहीं है, ये भारतवर्ष है या हिंदुस्तान है, ये संविधान से चलने वाला देश है, कानून से चलने वाला है, लॉ एंड ऑर्डर से। तो महाराज जी को यदि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी, लेकिन उन जिहादियों की मानसिकता देखिए, पूरे देश में एक षड्यंत्र रचा जा रहा बाहर से कि महाराज जी को, जो भी संत मठ है जितने भी, उनको केवल टारगेट किया जा रहा है कि संतों को मार दिया जाए और इस देश को इस्लामीकरण कर दिया जाए, मंदिर पर कब्जे करेंगे भी। और आपको कुछ समय पहले याद हो तो गजवाए हिंद का फतवा जारी हुआ था और हम हिंदू साइलेंट बैठे रहे। गजवाए हिंद का मतलब है कि सारे भारतवर्ष के हिंदुओं का कत्ल करके इस देश को इस्लामीकरण बनाना है, हम इस प्रकार किसी प्रकार से नहीं बनने देंगे। लेकिन ये योगी सरकार है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, और जहाँ तक है मेरा जो मानना है कि महाराज जी सुरक्षित होंगे
और उनकी जो भी बीमार भी हैं महाराज जी, शुगर के मरीज हैं, उनको दवाइयाँ भी दी जा रही है, लेकिन हमें अवगत करा दे कि महाराज जी हैं कहाँ, हम संतुष्ट बैठे रहेंगे। और उन जिहादियों ने जो उपद्रव करा, लेकिन उसमें पुलिस प्रशासन क्या कह रहा कि 10-5 जने थे, 10,000 की संख्या में लगभग महाराज जी के मठ को घेर लिया जाता है, उनका हत्या का षड्यंत्र तहत उनको मारने की कोशिश करी और उनको हत्या की श्रेणी के तहत कोशिश करी गई, लेकिन पुलिस प्रशासन पहुंच गया तो स्थिति कंट्रोल में, जगह जगह पुतले फूके जा रहे हैं और इनके ट्विटर पे ये कहा जा रहा है सर तन से जुदा, लिखिए ये इस होश में इस तरीके से ना सोच के बैठे, सर तन से हमारे पूर्वजों ने तन से जुदा किया है, ध्यान रहे हम हिंदूवादी हैं, हिंदुत्व के लिए लड़ेंगे और सनातन के लिए जीते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ ये कुछ महिलाएं भी हैं, खूब बढ़िया जी। अब बोलो क्या कहना चाह रहे हैं, आपका नाम परिचय, कहाँ से आए आप? कौशल तेवतिया, सेक्टर 23 संजनगर। तो बताएं, मतलब आप भी महिला होकर के भी इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं? खून खोल रहा हमारा, हमारे मां राज्य को गिरफ्तार किया और वे 5-6 हजार की संख्या में वहाँ मंदिर पे हमला करा और वहाँ पुलिस प्रशासन ने ना रोक दी तो वे वहाँ खून खराबा करते, मारपीट करते और हमारे मंदिर को तोड़ते, देवी देवताओं को तोड़ते, ये हमारे हनुमान जी पे मुते हैं, कभी वो करे थूके, कभी थूक का खाना खिलावे, तो कभी हमारे मंदिरों में मस्जिदों में उसमें देखा मंदिरों में हिंदू भी किसी को थूक के खिलावे और ये हर चीज में थूक थूक के खिलावे, सब चीज में थूक रहे हैं। और यहाँ सारे रोंगे बांग्लादेशी बस गए, हिंदू ही नहीं वे दे रहे दुकान मकान दे के सारे, जितने मकान बिक रहे हिंदू के सब ये मंदिर ने खरीद रहे, जहाँ से पैसा ईरान के पास 50-50 लाख का मकान खरीद रहे हैं, किसी का 10 लाख का मकान है, 20 लाख का मकान मतलब हम लोग तो मतलब इतना नहीं जितना मतलब ये खरीद रहे हैं, इनको कहाँ से आ रहा है, इनको कहाँ से आ रहा है जो कि इतनी खरीद रहे हैं, इतना मतलब इतना अत्याचार कर रहे हैं, क्यों रहते हैं भारत में, गुड़ गाते हैं कहीं और का, तो इतने इनको जब पाकिस्तान से प्यार तो अपने पाकिस्तान जाए, यहाँ क्यों रह रहे हैं? 10,000 हमारे हिंदू धर्म मंदिरों पर सारे हम इनके मस्जिद पर तो नहीं जाते हैं, हमारे पड़ोस में है, इतना शोर शराबा होता है कि हमारा सोना दुर्लभ हो जाता है सुबह शाम, लेकिन हम तो नहीं करने जाते कुछ, लेकिन ये हमारे मंदिरों को क्यों टारगेट बना रहे हैं, क्यों हमारे मंदिरों को टारगेट बना रहे हैं? हम तो नहीं, इनको कोई कोई इनका कोई त्योहार पड़ता, हम किसी पर किसी त्योहार तो इनका हमारे क्यों नहीं करते कर रहे हैं? अरे इनका तो होश में आ जाए, बस रहना भारत में तो भारत में ही, भारत ही बन के रहे, पाकिस्तान में तो कूटे जाएंगे, वहाँ नहीं छोड़ते वो लोग, बेशक तुम बन जाओ हम पाकिस्तानी जिंदाबाद करते हैं, वहाँ के हालत बहुत, वहाँ की हालत बहुत है, इनके कुट्टी बना देंगे, बांग्लादेश में इसलिए यहाँ खाओ तो यहीं रहो, यहीं रहो, लड़कियों को जीने नहीं दे रहे बांग्लादेश में, धन्यवाद। इतना बुरा हाल कर रहा था बांग्लादेश में लड़कियों के साथ, हिंदू लड़कियों के साथ इतना बुरा अत्याचार कर रहे हैं, जब हम हिंदुओं के भी मुसलमानों के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, ना हम उनकी मस्जिद में जाते ना किसी प्रोग्राम में जाते, फिर वो हमारे साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं? अभी हमारे यहाँ कार्यक्रम के 12 बजे रात तक इन्होंने किया था, लेकिन कोई टच नहीं, अगर हमारा जागरण होता तो इन्होंने उपद्रव मचा कर रखा होता, पूरी रात हम सोने नहीं पाए हैं, देख लो हमारे भारतीय नारी। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूं, और ये पूरी घटना जो आपने देखी, जो पूरे देश का माहौल इस समय चल रहा है, ये जिहादी परवर्ती की जो कार्रवाई हो रही है जो, और उस पर जो है प्रशासन चुप बैठा है, जिसको लेकर के आज सभी हिंदू सनातनी मतलब इस चीज़ को विचार कर रहे हैं कि आने वाले समय में उनके साथ क्या होने वाला है। इन सब बातों को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।